वेलकम बैक। सो पार्ट थ्री की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों मिंजे एक दूसरे से बात कर रही होती हैं कि अब क्या करना है। इसके बाद जो नाका इन दोनों को ज्वाइन करता है और कहता है कि उसे सब कुछ पता है तो तुम दोनों को मुझे भी इसमें ज्वाइन करना होगा। तभी जो मेन है वो तो इसको रेजिस्ट करती है और कहती है कि मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूँ। तभी यहाँ पर जून कहता है कि तुम किसी पर यकीन नहीं करती ना, उसी तरह मुझे भी किसी पर यकीन नहीं है, तो हम दोनों की जोड़ी काफ़ी जचेगी। एंड मिंजे तो जून को काफ़ी अच्छे से जानती थी एंड वो उसे काफ़ी अच्छे समझती थी, तो उसके कहने पर मैं फाइनली मानी जाती कि ओके जून हमारा फ्रेंड बन सकता है। तीनों अपने फ्रेंड के सीक्रेट मिशन में लग जाते हैं कि फाइंड करना कि कौन हमारा ट्रू फ्रेंड है और कौन नहीं। और स्कूल में सभी को पता चल गया होता है जो वो फेमस वाली इंस्टा आईडी है वो दरअसल मिंजे की है ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर मिंजे को गले लगाती है और उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा मैंने तुमसे इतने सारे क्वेश्चन किए, इसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज एंड थोड़ी बहुत तो अनकम्फर्टेबल रही होगी एंड फ्रेंड्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो मिंजे को गले लगा लेती है एंड उससे सॉरी बोलती है। यहाँ पर हम येजून को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल में मिंजे को टेक्स्ट करता है बट उससे होता नहीं है। इसके बाद वो सोचता है कि उससे ना टॉस करके चूज़ करना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद टॉस करता है, इसके बाद उसे एक टॉस से मन नहीं भरता, वो काफ़ी सारे टॉस करता है लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। वो दरअसल मिंजे को टेक्स्ट तो करना चाहता था लेकिन इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। यहाँ पर दाए एक ग्लास में काफ़ी तैयार एंड काफ़ी जल्दी आकर बैठी होती है। इसके बाद अपनी लिपस्टिक लगा के थोड़ा सा सज जाती है। इसके बाद जून वहाँ पर आता है एंड पता चलता है कि दाए जून को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो उसे इम्प्रेस करने में अभी तक लगी हुई है बट जून ने उसे ज़रा भी भाव नहीं दिया। यहाँ पर जून आकर उसे मीठी मीठी बातें करता है एंड सारी बातें चपोटता है कि तुम एक मेरी अच्छी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा मानता हूँ। ये बात सुनकर दाए के मन में तो लड्डू फूट जाते हैं। वो सोचती है कि शायद जून भी मुझमें इंटरेस्टेड होने लगा है एंड ये कितनी अच्छी बात है यार। जून को दाए पर बिल्कुल पूरा पूरा शक था एंड वो सोच रहा था कि क्या पता इससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो आखिर जो पोस्ट डली हुई है अभी स्कूल चैट में वो दरअसल किसने डाली। लेकिन दाए इतनी जल्दी थोड़ी ना उसके हाथ आने वाली थी, उसके लिए उसे थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद हम मेन और मिंजे को देखते हैं जहाँ पर मेन काफ़ी अच्छे से तैयार होकर मिंजे का वेट कर रही होती है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी बिकॉज वो अपने असली गेटअप में थी। यहाँ पर जब मिंजे उसे देखती है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हारा ड्रेस ओवर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारी चॉइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेन और जून की डिस्कशन को सुनते हैं। अगर हम जून की बात करें तो वो किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं मानता, कि जून भी किसी पर भी यकीन नहीं करता, वो बस कहने के फ्रेंड है लेकिन वो रियलिटी में किसी को अपना ट्रू फ्रेंड मानता ही नहीं है सिवाय ये जून को छोड़कर। यहाँ पर वो बताता है कि वो दाए जीवान इन सभी को कुछ घंटा पसंद नहीं करता, वो सभी उसके साथ रहते हैं एंड दैट्स इट। एंड तुम्हारी तरह मैं भी फ्रेंडशिप पर ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ बिकॉज मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि मेरा फ्रेंडशिप से भरोसा टोटली उठ चुका है। और वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी बिकॉज मैं मिंजे को सभी से प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तभी जून कहता है क्यों, तभी वो कहती है कि मैं उसके इनोसेंट बिहेवियर को बचाना चाहती हूँ जो कि उसमें है एंड मुझे लगता है शायद मुझे अपनी ज़िंदगी की ट्रू फ्रेंड आज मिल गई है, इसलिए मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ जो भी उसे हर्ट करने की कोशिश करे। एंड इतने अच्छे शुभ विचार हम सुनकर समझ जाते हैं कि मिन से अच्छी फ्रेंड तो मिंजे को मिल ही नहीं सकती। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करते हैं। मिंजे मिन के साथ इसलिए शॉपिंग पर आई थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, कैसे हम ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडिंग लगेंगे। इसके बाद मिंजे उसे काफ़ी कुछ ट्राई करने के लिए देती है एंड कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगी। इसके बाद ये दोनों कैफे में जाते हैं। यहाँ पर मिंजे कथा दोबारा सुनाने लगती है कि वो कितनी ज़्यादा बुली हुआ करती थी एंड वो आज तक कभी भी अपनी फ्रेंड के साथ कैफे में नहीं आई। अगर हम बात करें तो उसने कभी कैफे देखा ही नहीं है, मतलब उसे बाहर से देखा था, अंदर तो कभी गई ही नहीं। आज वो पहली बार यहाँ पर आई है, वो भी इतनी अच्छी फ्रेंड के साथ। ये पल उसके लिए काफ़ी यादगार होने वाला है। इसके बाद वो जब फोटो खींचती है तो उसे फोटो क्लिक करना भी नहीं आता। जो उसकी फोटो क्लिक करती है वो उसकी न्यू डीपी बना देती है। ये जून उसकी डीपी देख रहा होता है, गेस कर लेता है कि मिंजे कहाँ पर है। वो कहता है कि क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। इतने में ही यहाँ पर जून आ जाता है और कहता है कि एक मिनट, क्या तुम किसी लड़की की आईडी देख रहे हो, तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। तो ये जून कहता है कि तुम लोगों की फेस कितनी अच्छे से पढ़ लेते हो है ना, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते बिकॉज तुम बिल्कुल रॉन्ग हो, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। यहाँ पर इसके बाद वो खुद अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। तभी अर्जुन कहता है कि अच्छा तो तुम भी किसी लड़की से बात कर रहे हो। तभी जून कहता है कि नहीं, उसके पास कुछ और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग है जिनसे वो मज़े ले सकता है। उसे लड़कियों को टेक्स्ट वैक्स करने या फिर उन्हें फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हैंडसम है एंड वो बिलीव करता है कि ठीक है कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। इसके बाद दाए मिंजे जीवान बैठी होती हैं। यहाँ पर दाए बताती है कि उसका एक क्रश है जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, अभी तो वो फ्रेंड है बट वो चाहती है कि वो उसे फ्रेंड से ज़्यादा पसंद करने लगे। तभी जीवान और मिंजे उसे पूछने की कोशिश करती हैं एंड वो सीधा हमारे जून को ही देख रही थी एंड यहाँ से बिल्कुल टोटली 100% कन्फर्म हो जाता है कि ये हमारे जून को पसंद करती है। लेकिन वो बताती नहीं है किसी को कि उस लड़के का नाम क्या है, बस एक है बंदा
चलो समझ जाओ। मिंजे एक क्लास में एंटर करती है तो वो देखती है कि टीचर येजुन को काफ़ी कुछ सुना रहे हैं, उसे डांट रहे हैं। इसके बाद येजुन उसके पास आता है और कहता है कि तुमने सारी बातें सुन ली। तभी मिंजे कहती है कि नहीं, उसने इस बार कुछ भी नहीं सुना, पिछली बार तो सुना था लेकिन इस बार कुछ भी नहीं सुना। इसके बाद वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। तभी यहाँ पर अर्जुन कहता है कि इट्स ओके, तुम कर सकती हो, तुम्हें ये राइट है। मुझे के गाल ब्लश करने लगते हैं कि ऑब्वियस है, तुम्हें तो डांट पड़ेगी, बिकॉज तुम अच्छे से ड्रेसअप होकर नहीं आते। अपना गेटअप देखो, ये जैकेट, ये शूज़ बिल्कुल स्कूल टाइप की नहीं है, तुम्हें चेंज करना चाहिए। एंड तुम्हारा ये फेस वो भी काफ़ी रूड है। तभी अर्जुन कहता है कि मेरा फेस, एंड दोनों थोड़े क्लोज होते हैं तो ऋषि शर्मा आते हैं एंड यहाँ से अर्जुन चला जाता है। तभी मिंजे उसे कहती है कि अच्छा तब चेंज नहीं करोगे। तभी येजुन कहता है कि नहीं, किसी के कहने पर मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मिंजे कहती है कि तुम नहीं करोगे। तभी येजुन कहता है कि ठीक है देख लेना। अगले दिन हम येजुन को देखते हैं जो कि प्रॉपरली ड्रेसअप होकर आया हुआ था, तो हैंडसम है ही, एंड ड्रेसअप होकर तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। मिंजे उसे देखती ही रह जाती है, उसकी आँखें बस फटने को होती हैं। येजुन को देखती ही जाती है कि यार ये पूरा ड्रेसअप होकर भी कितना सही लगता है। इसके बाद वो मिंजे को एक लड़की से बुलाता है एंड उसे यहाँ पर कुछ नोट्स मांगता है। तभी मिंजे उसे नोट्स दे देती है, ये भी कह देती है कि तुम आज अच्छे लग रहे हो बिकॉज तुम पूरे ड्रेसअप हो। इसके बाद इन दोनों को बात करने का बहाना चाहिए था, बट अब कोई बहाना बचा नहीं तो दोनों को साइलेंसली जाना पड़ता है। यहाँ पर मिंजे अपनी क्लास में आके ब्लश करने लगती है कि उसने मुझे बुलाया, मुझे लगता है कि वो मुझे लाइक करता है। सभी का गेम्स पीरियड होता है तो यहाँ पर सभी लोग बॉल से खेल रहे होते हैं, दाए एंड मिंजे एक साथ खेल रहे थे। तभी मिंजे दाए से कहती है कि उसके पास भी एक लड़का है जिसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, अभी तो फ्रेंड है बट तुम्हारे जैसा मस्ती हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा है मेरे लिए, आई रियली लाइक हिम। तभी इसके बाद ये दोनों की कंपनी काफ़ी मिल जाती है, अपनी पर्सनल बातें जो शेयर कर रही थी। मिंजे क्लास में अपने कार्टून वाली टी शर्ट पहन के आती है और इसके बाद में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब मिंजे अपने पुराने स्कूल में ऐसा गेटअप करके जाती थी तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वो आज भी ओल्ड फैशन वाले कपड़े पहन रही है। लेकिन अब ये सब चीज़ें फिर से ट्रेंडिंग में आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर भी जीवान और दायो से कहती है कि मिंजे तुमने क्या पहना हुआ है, ये काफ़ी सिली है। लेकिन इतने में ही जून वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उससे मिन ने बताया होता है कि तो सभी के सामने आ नहीं सकती बिकॉज मैं अभी थोड़ी इनोसेंट टाइप की हूँ स्कूल में, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसके बाद वो कहता है कि नहीं, मिंजे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसके बाद वो उसकी प्राइस भी काफ़ी हाई फाई बताता है। मिंजे कहती है कि इतनी प्राइस में तो मैं इतनी चार खरीद लूँ। इसके बाद यहाँ पर एक और चश्मे वाली लड़की आती है, वो भी मिंजे के गेटअप को काफ़ी ट्रेंडिंग बताती है। इसके बाद सभी कहते हैं कि मिंजे यू लुकिंग सो कूल, ये बात सुनकर मिंजे को काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर जीवन और दाए भी कहने लगती हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, हमें भी बता देना कि तुमने कहाँ से लिया है, हम भी उस शॉप पर चलेंगे। एक सीन में मिस कर गई, जब हायजू ने मिंजे को बाहर बात करने के लिए बुलाया था तो उसने अपने कुछ फेवरेट सॉन्ग्स की सीडी उसे दी थी, इसमें उसने एक नोट भी छोड़ा था कि उसके फेवरेट्स कौन से हैं, उसे तो पक्का सुन लेना। इसके बाद मिंजे भी सर्च करने लगती है कि उसे अपने गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट करना चाहिए। इसके बाद उसे कुछ भी आइडिया नहीं लगता तो उसे मूवी टिकट गिफ्ट करती है, वो भी एक, मतलब बेचारी इतनी ज़्यादा इनोसेंट है। हायजू ने उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि सिर्फ एक मूवी टिकट तुम्हारी कहाँ है। हायजून कहती है कि मेरी, मैंने तो तुम्हारे लिए एक अकेला गिफ्ट खरीदा है। तभी हायजून कहता है कि अकेले मूवी देखने में थोड़ी मजा आएगा, थिएटर में जा रहे हैं तो तुम मेरे साथ कंपनी के लिए तो होनी चाहिए। चारी मिंजे क्या करे, वो सोचती है कि क्या मुझे इसके साथ मूवी डेट पर जाना है। तभी वो कहता है कि ठीक है कल तैयार है ना, थर्डे को फ्री हो है ना। तभी मिंजे कहती है कि हाँ वो फ्री है तो क्या हम मूवी देखने के लिए चले। मिंजे माँ जाती है और कहती है कि ओके, खुश होती है। यहाँ पर जीवन उसके पास आती है और कहती है कि तुम सैटरडे को क्या कर रही हो। तो मिंजे कहती है कि नहीं उसकी खुद के प्लान है एंड वो इतनी पागल, वो ये सब बता देती है कि हायजून के साथ मूवी देखने के लिए जा रही है। तभी मिंजे उसे चपकने लगती है और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई टिप्स चाहिए हो तो मुझसे ले लेना, वैसे भी हायजून कभी कभी किसी को मूवी पर जाने के लिए बोलता है तो तुम काफ़ी लकी हो। उसके बाद वो घर पर आकर मिन को काफ़ी सारी टेक्स्ट करती है कि क्या क्या पहन के जाना चाहिए, बहुत सारी फोटो भेजती है कि उसे कौन सा आउटफिट चूज़ करना चाहिए। तभी मिन अपने हिसाब से बता देती है। मिंजे को देखते हैं जो कि अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी, मतलब एक साथ थिएटर में बैठे हैं एंड दे बोथ अबाउट टू किस, ये सब जस्ट उसके इमेजिनेशन में हो रहा था, सीरियसली तो कुछ भी नहीं था। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब के लिए बाय बाय।